हे एवरीबॉडी, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस जो कि बायो का एक चैप्टर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। और ये जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं और ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई ने जो अभी लेटेस्ट सिलेबस रिलीज किया है उसके बेस्ड है और तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Now, first question is, as you can see on board, chlorophyll and hemoglobin, gills and lungs. मैंने कुछ words लिखे हैं। ये जो question है ये है कि यहाँ पे जो आपको words दे रखे हैं, four words हैं, इनके बीच में similarities बतानी है। तो first point है chlorophyll और hemoglobin में क्या similarities होती हैं। So, first of all, both are pigments. ये जो है chlorophyll और hemoglobin, ये दोनों क्या हैं? Pigments हैं। ठीक है। अब जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स का एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट यूज हो रहा है वो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ये। नाउ हीमोग्लोबिन, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है। इट मीन्स ये जो है ये इसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से या इस पिगमेंट की वजह से जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो रेड कलर का होता है और ये ह्यूमन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज है वो यही है कि बोथ आर पिगमेंट्स। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है और जो हीमोग्लोबिन है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स कि ये ब्लड में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिल्स एंड लंग्स में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। तो ये दोनों जो हैं गिल्स और लंग्स, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब कि सॉरी ब्रीदिंग ऑर्गन है, मतलब कि ये सांस लेने में यूजफुल होते हैं। गिल्स जो है उसका यूज करते हैं फिश या फिर कोई भी जो एक्वेटिक एनिमल होता है। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वाटर बॉडीज में, जो एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो गिल्स के थ्रू अपने अंदर सांस लेते हैं। ये ऑक्सीजन को अपने अंदर, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वहां से ये इंटेक करते हैं। लंग्स ये बर्ड्स और मैमल्स के लिए है। अब जो बर्ड्स है जैसे फर्स्ट है बर्ड्स एंड सेकेंड वन इज मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और उन्हें फीड करते हैं खुद से, तो ये मैमल्स होते हैं। इनमें जो जिसके थ्रू, जिस ऑर्गन के थ्रू सांस ली जाती है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, वो लंग्स होते हैं। एंड फिश या कोई भी वाटर बॉडीज जो होती हैं उसमें से हम गिल्स की बात करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज आर्टरीज एंड वेन्स में आपको डिफरेंस लिखना है। सो एक साइड में आर्टरीज लिख देती हूँ, सेकेंड साइड में वेन्स। आर्टरीज को हिंदी में कहते हैं धमनी एंड वेन्स को कहते हैं शिराएं। ठीक है, ये हैं आर्टरीज और वेन्स, दोनों ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला पॉइंट आर्टरीज में क्या होता है, जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं उसको कैरी करते हैं। उसके अलावा जो इनकी थिक वॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। नेक्स्ट, इनमें जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, मतलब कि ज्यादा प्रेशर होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख दूँ इनको, प्रेशर इज हाई। ठीक है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो वेन्स में होगा। उसके अलावा ये जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं और ये हार्ट की साइड लेकर जाती हैं और ये हार्ट से दूसरी बाकी अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। प्रेशर इज हाई, वॉल इज थिक। इसमें जो वॉल होती है वो थिन होती है। ठीक है, लो प्रेशर होता है। नेक्स्ट वन इज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे आर्टरीज एंड वेन्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि जो सलाइवा है उसका क्या रोल होता है और डाइजेशन में ये क्या रोल टेक प्लेस करती है। इसके अलावा इसमें जो प्रेजेंट होता है सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस गिवन है। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, तो इसका आंसर होगा सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवा क्या होती है, लार होती है, इसको हिंदी में लार कहते हैं, हमारी टंग पे प्रेजेंट होती है सलाइवरी एमाइलेज, ये एंजाइम है। और इसका डाइजेशन में क्या रोल होता है, स्टार्च टू माल्टोज। ठीक है, स्टार्च टू माल्टोज, कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज।
इसके अलावा जो सेरा हमारी टंग पे प्रेजेंट होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप खाना खाते हैं उसको जो हमारे टीथ है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उसके बाद में जो भी फंक्शन होता है वो सलाइवा का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर है सलाइवा माइलेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मेंशन ऑफ सम फंक्शंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। दो आपको फंक्शन बताने हैं ट्रांसपीरेशन के। सबसे पहली चीज, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी, जैसे कि एटमॉस्फेयर पे जब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, जिसमें वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, ऐसे ही प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है जो ट्रांसपीरेशन है वो क्या हेल्प करता है। सबसे पहली चीज तो एब्जॉर्प्शन, प्लस जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर एंड मिनरल्स की रूट से लेके प्लांट के टिप तक पहुंचाने का काम जिसका होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इसके अलावा मैंने प्लांट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताए थे जिस इससे पहले वाली वीडियो में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने जाइलम और फ्लोएम के वर्क बताए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपीरेशन में, क्योंकि यहाँ तो दो फंक्शंस लिखने हैं, सेकेंड जो है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन में। ट्रांसपीरेशन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसमें ये हेल्पफुल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च के टेस्ट के लिए हम किस केमिकल का यूज करते हैं, किस केमिकल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। सो इसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर स्टार्च। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन का हम इस यूज करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड को जब आयोडीन वाटर के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन है विच कलर शोज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो कौन से कलर से पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन गिवन है इसमें स्टार्च की प्रेजेंस है? तो अगर वो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में हो जाए तो पता चलता है कि ये स्टार्च के प्रेजेंस को शो करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लाइफ प्रोसेस से, जो कि एज अ वन मार्कर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर्स या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।